नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। इस वक्त की बड़ी खबर, अनपढ़ ऑटो चालक ने किया कमाल। पेट्रोल की जगह घरेलू गैस से दौड़ेगी मोटरसाइकिल। 1 किलो गैस में 110 किलोमीटर दौड़ेगी मोटरसाइकिल, 2.5 गुना तक होगी बचत। कहते हैं ना कि इंसान यदि चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन के कैंथवा गांव में रहने वाले दिनेश भारती से, जो कहने को तो कक्षा 5 तक ही पढ़े हैं, लेकिन आज उन्होंने इंजीनियरिंग के छात्रों वाला काम कर दिखाया। पेशे से ऑटो चालक दिनेश के दिमाग में आया कि दिनोदिन बढ़ती महंगाई, पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों के बाद सरकार बायोडीजल तथा अन्य विकल्पों पर काम कर सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक कारों और बाइकों का इजाद कर प्रदूषण मुक्त भारत बनाने में जुटी है। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपनी मोटरसाइकिल में कुछ तब्दीली करें, और ये आइडिया दिमाग में आया और जुट पड़े काम पर। इन्होंने मोटरसाइकिल में कुछ तब्दीली कर गैस सिलेंडर से चलने योग्य बनाया, और इनका कहना है कि इनकी मोटरसाइकिल 1 किलो गैस में 110 किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर सकती है। इस संबंध में जब हमने इनके गाँव में रहने वाले कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दोस्त पर गर्व है कि उन्होंने ऐसा कर गांव का नाम रोशन किया है। जालौन मेट्रो के लिए जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार। कहते ना कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कहने को तो कक्षा 5 तक पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने काम जो है इंजीनियरिंग के छात्रों जैसा किया है। बिल्कुल इंजीनियरिंग के छात्रों को टक्कर देने वाली बात है ये। सब मामला जनपद जालौन के कैथवा गाँव से। कैथवा गाँव के रहने वाले दिनेश भारती कक्षा 5 तक पढ़े हैं, ऑटो ड्राइवर है, लेकिन उन्होंने अपनी एक टेक्निक दिमाग से उनके आई, क्योंकि ऑटो चलाते हैं। उनका कहना ये था कि जब डीजल पेट्रोल की दिनों दिन बढ़ती कीमत आपको जो है महंगाई के आंसू रुला रही है, ऐसे में सरकार इसके अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है, और ऐसे में जब बायोडीजल या इलेक्ट्रिक या और सीएनजी एज अन्य जो है ऊर्जा की जो विकल्प हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में क्यों ना अपनी मोटरसाइकिल में भी ऐसा किया जाए। क्योंकि मोटरसाइकिल कंपनी वाले कहते हैं कि 50 किलोमीटर का एवरेज देगी, 60 का देगी, 80 का देगी, लेकिन हकीकत में जब दौड़ती हैं गाड़ियाँ मुश्किल से 50 या 60 किलोमीटर का एवरेज ही आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि अपेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, तो उनका कहना ये था कि जब सीएनजी से ऑटो चल सकता है तो बाइक क्यों नहीं। लिहाजा बंदे का दिमाग घूमा, और घूमने के बाद वो गुजरात पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक विशेष तकनीक का जो है वहाँ पर लोगों को देखा, और एक किट एक ईजाद की वहाँ से लेकर आए, और यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उस किट को लगाया। किट को लगाने के बाद घरेलू गैस का जो गैस होती है वो डालने के बाद बाइक अब उनकी 110 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही है। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलने वाली बाइक 1 किलो गैस में 110 किलोमीटर का सफ़र कर रही है, वो भी 203 सवारियाँ बिठाने के बाद। हमने जब इनसे बात की, दिनेश जी से बात की, तो उनका कहना यह था कि देखिए, गरीबी की हालत में यहाँ रहे हैं, गांव में रहे हैं, कक्षा 5 तक मुश्किल से पढ़ पाए हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बाद वो पहले तो ट्रकों के मैकेनिक रहे, उसके बाद फिर जब उस वहाँ भी पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया नोएडा में। नोएडा में भी ऑटो चलाने पर मुश्किल से 10 से 12-15 हज़ार रुपये पैदा हुए थे। क्या वहीं पर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। आज उन्होंने ये काम करके दिखाया। हमसे बातचीत में हमने उनके दोस्तों से भी बात की, दोस्तों का भी कहना ये था गर्व है उन्हें अपने इस दोस्त पर, क्योंकि दोस्त ने वो काम किया है जो एक अच्छे अच्छों के दिमाग में नहीं आता, यानी कि उन्हें गर्व है, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि उनका दोस्त है दिनेश भारती, उसने ये काम किया है। यानी कि एक गांव के रहने वाले अनपढ़ ऑटो ड्राइवर ने आज ये काम करके दिखाया है कि घरेलू गैस से उनकी बाइक अब 110 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करेगी, निश्चित तौर पर उपलब्धि है जनपद जालौन के लिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दिनेश भारती। दिनेश जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम कैथवा। जी, ग्राम कैथवा। ग्राम कैथवा के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है? शिक्षा सर मैं 5 तक पढ़ा हूँ। 5 तक पढ़े हैं। अच्छा, और आपने एक नई तकनीक का इजाद किया है, आपने पेट्रोल से चलने वाली बाइक को गैस से यानी घरेलू गैस से आपने चालू किया, उसमें तो ये तकनीक आपके दिमाग में कैसे आई, कैसे आपने ये किया? मैं सीएनजी चला रहा था ऑटो रिक्शा जी, तो हमने जब देखा कि वो चल सकती है तो 4x6 व्हीलर चल सकती है तो ये क्यों नहीं चल सकती है जी। तो हमने अपने घर पे बड़ा सिलेंडर था उससे हमने चालू किया जी। तो चालू हो गई, उसके बाद फिर हमने अपने दिमाग लगाया, फिर कहीं से वो किट ढूंढी तो ये चालू कर दी फिर गाड़ी। अच्छा, वो कौन कौन से बदलाव होते हैं जो आपने एक पेट्रोल बाइक में किए हैं और आप उसको जो है गैस से कन्वर्ट कर पाए? नहीं, उसमें बदलाव कुछ नहीं है जी।
जो आप मतलब उसमें कुछ नया नहीं डालना है जी, ऑटोमेटिक जो अपने सिस्टम लगाओगे उसमें ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। क्या सिस्टम चेंज कैसे किया आपने बताएं जरा। नहीं, किट के ऊपर होता है सब कुछ सिस्टम। अच्छा, अरे किट डालनी पड़ती है। किट डालनी पड़ती है। ये किट कहाँ उपलब्ध होती है और कैसे डलती है, क्या क्या चेंज होती है? राजकोट में मिलेगी, यहाँ मिलेगी भी नहीं। अच्छा, तो जैसे आप किट लेके वहाँ से आए थे, तो बाइक में आपने उसको कैसे फिट किया था और उस पर आपको कितना भरोसा था कि ये काम करेगी? नहीं, भरोसा था हमें, भरोसा हमें था, इसलिए हमने चालू कर दी, चालू हो गई। पहले हमने ऑटोमेटिक चालू किया था बिगर किट का जी, तो चालू हो गई, तो हमने फिर किट पे चालू किया। अच्छा, ऑटोमेटिक जब आपने बिना किट के चालू किया था, तो उस समय अपनी बाइक में आपने क्या परिवर्तन किए थे? परिवर्तन ये कुछ नहीं किया था, फिर भी कुछ नहीं किया था, कंट्रोल नहीं होती गाड़ी जी। ऑटोमेटिक चालू रहेगी, ऑटोमेटिक बंद करोगे तो गैस बंद नहीं होगी, इसमें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। हम गाड़ी बंद करेंगे, गैस बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। अपने पेट्रोल बाइक को गैस से चलाया है, तो इसमें आपने क्या क्या बदलाव किए, कैसे आप बदलाव? हमने कार्बोरेटर के अंदर पाइप डाला, उसके अंदर मतलब और थोड़ा एक स्प्रिंग जैसा आता है वो लगाया उसके अंदर जी। और उसके बाद में उसे चालू किया, जो अंदर खींच ना सके, उसका कंप्रेसर अंदर खींचता है जी, तो खींच ना सके, वो उससे रोक लगाते ही है स्प्रिंग जी, तो अंदर जाएगा नहीं वो, तो पाइप वहीं क्यों सदा रहेगा जी, उस वजह से चालू हो जाती गाड़ी फिर। अच्छा, तो एक किलो गैस में आपकी बाइक कितने किलोमीटर चलती है? एक किलो गैस में 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर चलती है। अच्छा, और एक किलो गैस कितने रुपए की पड़ती है? ये अभी वैसे भरवाने जाते हैं तो 110 रुपए के देता है। 110 रुपए की? हाँ, वैसे 80 रुपए पड़ रही है। 80 रुपए किलो, मतलब बड़ा सिलेंडर अगर लेते हैं तो 80 रुपए किलो पड़ती है। अच्छा, एक और जहाँ पेट्रोल की कीमतें दिनों दिन लगातार बढ़ रही हैं, लगातार 100 रुपए के पार पेट्रोल हो रहा है, लगभग 100 रुपए के आसपास है, और उसमें पेट्रोल में बाइक का कितना माइलेज निकलता है? वही 2.5 रुपए किलोमीटर चलता है पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में बाइक कितनी चलती है? 50-60 का एवरेज। 50-60 का एवरेज? हाँ, वो 2.5 या 3 का किलोमीटर चलती है। अच्छा, 3 रुपए किलोमीटर पड़ती है। हाँ। अच्छा, और आपकी ये जो तकनीक के बाद जो है, फिर बाइक कितने रुपए पर किलोमीटर चलेगी? ये हमारी चलेगी 1 रुपया 1 रुपए मतलब लगभग में किसी वाहन का 2 से 2.5 गुना तक खर्च कम आएगा। कम आएगा, मतलब जो बाइक पेट्रोल से 50 और 40 का एवरेज देती थी, वो 1 किलो गैस में 100 और 110 का एवरेज देती। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आप इस तकनीक को ईजाद कर पाएंगे या बना पाएंगे? हाँ, हमने सोचा था। अच्छा, आइडिया कैसे दिमाग में आया? ये हम ऑटो चला रहे थे, उस वजह से हमें दिमाग में आया। अच्छा, नोएडा में था, दिल्ली में जी, क्योंकि इसका तो सरकार परमिट देती नहीं है, और सब मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गई है, खर्चा कम है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, एवरेज कम है गाड़ी का दे रहे हैं। अभी कंपनी में जाओगे तो बोलेगा 60-70 का एवरेज है, और बोले सर्विस कराओ, धीमे धीमे सर्विस कराओगे, 5 सर्विस फ्री देंगे, तो मैं कराते और कम हो जाएगा एवरेज, फिर दोबारा आप जाओगे नहीं वहाँ पे सर्विस कराने के लिए, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, जितना एवरेज है उतना ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं वहाँ पे। भाई, ये अपना जो है इसमें 100 का एवरेज आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें कहीं कोई खतरे वाली गुंजाइश? नहीं, कोई कुछ नहीं है। दो किलो का मतलब इसमें 2 किलो गैस रहता है सिलेंडर में। अच्छा, एक सिलेंडर में आप 2 किलो वाला सिलेंडर लगाए हैं, तो 2 किलो गैस रहती है, तो लगभग 2 किलो गैस में आप कितने किलोमीटर जाएंगे? 200-220 किलोमीटर तक का सफर आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अकेले बैठ के या एक नहीं, सवारी? डबल डबल सवारी बिठाने डबल, के बाद डबल भी, टिबल भी। हाँ। अच्छा, 3 सवारियां बिठाने के बाद भी आप? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वजन से इसका एवरेज का कोई फर्क? कोई फर्क नहीं।